मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटोरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाया। पुलिस ने पटेरिया को मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। पटेरिया अपने गृह नगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने उन्हें यहीं से अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने की कोई भी संभावनाओं को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। इसी वजह से उसने तय किया है कि 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीत सत्र में वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इस संबंध में सूचना पत्र मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा है। इससे साफ है कि 5 दिन चलने वाला शीत सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। उज्जैन के चारधाम मंदिर में मंगलवार से 5 दिवसीय संत सम्मेलन रामकथा और रासलीला के आयोजनों की शुरुआत सुबह पेशवाई के साथ हुई। सामाजिक न्याय परिसर से शोभा यात्रा में संत महंत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। इस दौरान शहर भर में जगह जगह पेशवाई का स्वागत शहरवासियों द्वारा किया गया। एक बार फिर सियस्त जैसा नजारा यहाँ पर देखने को मिला। खरगोन के मंडलेश्वर रोड पर स्थित एक किसान के खेत के कुएं में तेंदुए का शावक गिर गया, जिसे वन विभाग व थैंक यू फॉर नेचर के सदस्यों ने निकाला। किसान दयानंद वराड़िया व पप्पू वराड़िया ने बताया कि सोमवार सुबह खेत पर आए तो कुएं में से किसी जानवर की आवाज आई। हमने कुएं में झांक कर देखा तो कोई जानवर नजर आया, लेकिन पानी में मुंह डूबा होने से उसे पहचान नहीं पाए, जिसके बाद हमने वन विभाग को सूचना दी। कांग्रेस नेता राजा पटोरिया के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मामला थमा नहीं था कि सिवनी में कांग्रेस विधायक ने सीएम शिवराज पर अचानक टिप्पणी कर दी है। बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने सीएम को लेकर कहा, मर्द के बच्चे हो तो एसपी कलेक्टर और सीसीएफ को सस्पेंड करो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।